नमस्कार आम सहर को स्वागत कर चिन्मयी प्रथमे हेडलाइंस मनीष दास हत्याकांड घटना चारिदिन रिमांडे जिबे तीन अभियुक्त पांच दिनिया रिमांड पर इन्फोसिटी थाना पुलिस करिथिला आवेदन जेएमएफसीओ कोर्ट को अनुमति विजिलेंस जाल में विधायक प्रदीप पाणिग्राही संपर्क घरे 15 टीम चढ़ाऊ लोकायुक्त निकट में सरकार अभियोग पर विजिलेंस सेल रो तदंत पूर्व लोकायुक्त निर्देश को खारज करते हाइकोर्ट कलाहांडी सनशाइन पब्लिक स्कूल प्रिंसिपाल निखोज घटना 9 दिन है मिलूनी निखोज अध्यक्षों पत्ता पुलिस निरवता उपरे उठिला प्रश्न विवाद घेरें गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र अभियुक्त स्कूल मालिक गोविंद साहू को कैप्टेन घंट घोड़ा अभियोग थाना भितरे दबंगिरी घटनारे मासे परे भी होना कार्यानुष्ठान अभियुक्त को घंट घोड़ा पुलिस प्रश्न कहा छत्र छाया तले बीजेडी नेता प्रणय साहू श्रीमंदिर विशोधन पर प्रति रविवार दर्शन बंद सप्ताह को 6 दिन सकाळ 7 राति 9 पर्यंत भक्तमानों पर मंदिर खोला दीपावली बड़ एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा रे दर्शन उपरे लागिला कटकणा आज 5 जिले में प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार संभावना 16 जिला को येलो वार्निंग 19 जाए वर्षा जारी रहा आकलन भारतीय पाणिपाग विभाग सूचना एथर संपूर्ण खबर मनीष अनुराग दास हत्याकांड घटना आज चारिदिन रिमांडे जिबे तीन अभियुक्त सांग रिमांड पर अनुमति देले जेएमएफसी कोर्ट इन्फोसिटी थाना पुलिस 5 दिन रिमांड पर आवेदन करिथिला होटल रे बिल पेमेंट को नहीं मनीष को आक्रमण करिथिले तीन बंधु जो मनीष मृत्यु होता हत्या पर मनीष मृत्यु को पाख पोखरी में फिंगी देते गिरफ अभियुक्त अमृत प्रीतम विश्वाल दिनेश कुमार महापात्र मृत्युंजय मिश्र रिमांडे नहीं पुलिस घटना संपर्क में अधिक पचराउचरा कर गत 10 में पात्रपड़ा स्थित एक पोखरी मनीष को मृतदेह मिलता पुओ को सांग डाक हत्या करोग करते मनीष को बापा वरिष्ठ सांबादिक नवीन दास बाबद अधिक सूचना पर आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि रोशन रथ रोशन वर्तमान तीन जन को रिमांडे नि सारी केते दिन पर रिमांडे जाऊँगी कौन पुलिस एम अधिक तथ्य आदाय कर तेरे रोशन सहित परवर्त समय जोजोग रु आलोचना करवा जे पुलिस अधिक कौन एम तथ्य संग्रह कर खोलताड़ पुलिस जारी रखे बाबदे जाणवा जे खासकर ये तीन जनकर केवल से गोटे दिन रातिर बिल पेमेंट को नहीं शत्रुता थी ना पूर्व किसी राग था ए सब कु लेकिन पचराउचरा पुलिस कर पूरा घटनार आहरी तर्जमा करजर संप्रति कौन कहीं हठात विभत्सवान नृशंस कांड भिआईले कहीं गोटे बिल पेमेंट को लेकिन गोटे सांग को मारे अनेक किसी एटी प्रश्न सृष्टि करास्तविक कौन होता केमी आक्रमण करते केमी मृत्यु है कारण जितेबाला मनीषकर मृतदेह मिले मृत शरीर मिलता से पूरा पूर्व अवस्था पड़ी हाथ में से घंटा पिंधि चश्मा पिंधि ये सबू जितेबाला स्पष्ट भाव में सठिक भाव में देहरे से प्रश्न उठूला जी केमती मनीषकर मृत्यु है आते पुलिस कमिश्नर क्षमा करेंगे पुलिस डीसी डीसीपी जितेबाला कहले जी खासकर सहित गंडगोल होता ठेलापेला होता ये ठेलापेला गंडगोल मृत्यु घटी ना आउ कि कारण रही केमी मारे कौन केम हत्या करागला ये हूँ सब बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न वर्तमान सामना को आसूँ तेरे रोशन आम सहित जोड़ी होती रोशन खासकर ये तीन जन को वर्तमान पुलिस रिमांडे नहीं कौन अधिक तथ्य एम आदाय करतमान सुधा ये सस्पेन्स रही केमी मनीष को हत्या कले देखो गत काली लिट्टू मुन्ना एवं
अमृत तीन जन को पुलिस गिरफ्त करथला एवं ताकु गतकाली कोर्ट चालान करा देथला। पांच दिनिया रिमांड पे पुलिस आवेदन करथला कोर्ट रे, किंतु वर्तमान जहां सूचना मिलुछि जे तीन जन को चार दिन रिमांड रे नवा पे कोर्ट अनुमति देइछंती। जहां मु पूर्व कहुतली जे जेतेबेले तीन जन को माराथन पचरा उचरा करथला पुलिस, तीन जन को बयान रे किछि तालमेल रहु नथिला एवं विशेष कर जेहेतु जो तीन जन जक सांग सेतेबेले निशासक्त अवस्था रे थिले, केमिति परिस्थिति रे मृत्यु हला, केमिति सेमाने बॉडी को नै पानी रे पोखरी रे फोपाले, से नै सेमाने किछि स्पष्ट सूचना देइ पर नांती। जहां सीसीटीवी फुटेज एवं किछि प्रत्यक्षदर्शी को बयान को आधार करी किछि प्रमाण मिलिया परे पुलिस सेमान को गिरफ करथला। एबे जेतेबेले 3 दिन 4 दिन तीन जन अभियुक्त को 4 दिन रिमांड रे अणा हबो, तापरे पूरा डिटेल्स कोन थिला, तांकर पूर्वरु किछि शत्रुता रहितला कि केवल जो बार रे जो गंडगोल हला बिल दिया को नहीं जो चार जन भितर पाटतुंड होता ता गोटाए कारण थिला ना आउ किछि मध्य कारण थिला, एमानन को सहित आउ के किए इनवॉल्वमेंट अछंती कि ए पूरा घटना को नहीं तीन जन को माराथन जेरा करा जीव, आउ किछि तथ्य एवं स्पष्ट सूचना केमिति मनीषकर मृत्यु होता कौ समय से पानी पकईले पानी फोपाड़ला पर से कुआ जाते से पूरा घटना रु परदा उठब बोली जहां आशा कर रोशन। कितु या भितर आहरी गोटे सबुठ बड़ बिवाद समस्त मन गोटे सस्पेंस क्रिएट डीसीपी उमाशंकर जो कथा कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस रे जे वास्तविक भाव में गंडगोल होता ठेला पेला हला मृत्यु घटा या कोटि ना कोटि लोक मैंने संशय सृष्टि कर समस्त मन में देखंतु निश्चित भाव रे पूर्वरु मध्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे ए जिंस आस्तला जे श्वासरुद्ध जोगु मनीषकर मृत्यु होईछि बोली होय त ठेला पेला भितरे तांको जदि जोर रे आघात लागितबो छाती रे तांकर हृदघात जोगु मध्य मृत्यु होईथाई पारे, तेनो ए सबु घटना को मध्य एडेई होबनी। वर्तमान पर्यंत तो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोन आसीछि ताहा पुलिस पक्षरु किछि सूचना दिया जाय नाइ, किंतु केउटी ना केउटी ता अनुमान कराउछि जे तांको भितरे जेतेबेले गंडगोल होईछि सेमाने हाताहाती होईछन्ति पूरा घटना से सामना को आसीबो जेतेबेले चार दिन रिमांड रे अभियुक्त माने जायचंती सेमानक थारु पुलिस कोन अधिक तथ्य आदाय करूची आ उपरे समस्तक नजर रहबो। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आपनकर तमाम सूचना पाई। विधायक प्रदीप पाणिग्राही घरे विजिलेंस रेड, प्रदीप संपर्क घरे 15 टीम रो चढ़ाउ जारी रही। सका 6 एककालीन चढ़ाउ करी विजिलेंस टीम प्रदीप घनिष्ठ थिबा सर्वेश्वर रांक घरे विजिलेंस चढ़ाउ करी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग तदंत करुछि विजिलेंस। लोकायुक्त निकट में सरकार अभियोग पर विजिलेंस सेल करुछि तदंत 2009-2020 भितरे 5,05,00,000 4,65 टंका ठूल करिथिबा अभियोग होइथिला। अभियोग परे विजिलेंस को तदंत पाए निर्देश देथिले लोकायुक्त जणे एसपी बाबद्र अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक जोड़ी होती। पीतांबर पूरा घटना कौन जे वर्तमान जो टीम चढ़ाव करी टीम रे क्यों माने सामिल होती एवं वर्तमान सुधा कौन सबू तंकर जो ठूल होता सब संपत्ति जबत है। चिन्मय आपण जानती जे किछि दिन पूर्वरु राज्य राजनीति में मध्य गोटे हटचमट होता प्रदीप पाणिग्राही को जो भाव में दलरु बहिष्कार करवर्त समय पिछा संपूर्ण भाव बिवाद लागी रही छि। विशेष भाव से जो भाव में गिरफ होते परवर्त समय बेल आसते वर्तमान समय संपर्कों घरे संपूर्ण भाव एककालीन भाव में चढ़ाव कर आज सका तमाम चित्र जदि कह आज सका 6 समय जो भी भाव में संपर्क विशेष भाव कथा कह जदि कंबुपाणी साहू कथा कह हरेकृष्ण साहू कथा कह प्रदीप पाणिग्राही ड्राइवर कथा कह विशेष भाव संपर्क सूर्य साहू कथा कह गंजाम जिले में पखापाखी
4 to 5 जगार एककालीन चढ़ाव कर विशेष भाव आम कि समय पूर्व से जगार रही जो जगार विजिलेंस टीम मैंने रही है सेठारु सेमानकर दस्तावेज एवं जेमुडी भाबरे विभिन्न घर पट्टा कथा कहिबा बा विभिन्न गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कथा कहिबा संपूर्ण भाबे सेगुडी को विजिलेंस तन्न तन्न करिकि जांच करूछि आ विशेष भाबे जेमुडी भाबरे आमे हरकृष्ण साहूंकर जांगर संपर्क जे प्रतिक्रिया नेउथिलु जांग सहित जे घनिष्ठता थिला किछि अकाउंट डिटेल्स कथा कहिबा जेमुडी भाबरे जेंति आपण कहथिले जे टंका नेणदेणु को नेइकि हेथाइ पारे चढ़ाउ तो ताकु नेकि जे टंका नेणदेण होइछि बा जे भाव में विभिन्न संपर्कक विभिन्न घनिष्ठ जो अकाउंट रु टंका विभिन्न अकाउंट को जाइछि ताकु नेकि मध्य विजिलेंस तर्जमा करुछि जे भाव में विशेष भाव गंजाम अंततः ब्रह्मपुर सहर एवं ब्रह्मपुर उपकंठ रे पाखापाखि 4 to 5 जगार एकाकालीन चढ़ाव कर एवं सेपटे राजधानी ने मध्य जमीक आपड़ देखुं सरकारी बासभवन ने मध्य एककालीन चढ़ाव कर चिन्मय निश्चित भाव में पीतांबर समस्त नजर रहा जे प्रदीप पाणिग्राही और संपर्क घर कौन सबू अधिक आयुर्भूत संपत्ति ठूल बा यार चित्र सामना को आसुची बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर आपण तमाम सूचना पाई। कलाहांडी स्कूल अध्यक्षा निखोजर 9 दिन पर भी पुलिस हाथ खाली गत 8 तारीख ठारु महालिंग स्थित सनसाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्षा ममिता बेहरा मेहर स्कूल आसी निखोज रही ममिता घर बलांगीर जिला तुर्केला थाना झरणी गाँव ममिता निखोज को नहीं परिवार लोके 13 तारीख सिंधेकेला थाना रे एतला देते बलांगीर पुलिस गत 14 तारीख रु स्कूल मालिक गोविंद साहू को अटक रखी तदंत जारी रखी अद्यावधि कौन बयान जारी करूना अंपक्ष राजनैतिक बयानबाजी आरंभ हो गोविंद साहू को राजनेता सह फोटो सोशल मीडिया रे वायरल होता बेले पुलिस चापरे तदंत करुवा विरोधी आरोप लगे बद घेर गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र घटन अभियुक्त स्कूल मालिक गोविंद साहू को कैप्टेन घंट घोड़ा अभियोग एमतीक मंत्री राति स्कूल को जाते और से कहीं जाते प्रश्न कांग्रेस मंत्री इस्तफा दावी कर विरोधी हेले सबुठ आश्चर्य घटना जे 9 दिन पर पुलिस नीरवता जहां को नहीं साधारण रे अनेक प्रश्नवाची सृष्टि हुई बीजेडी नेता प्रणय साहू थाना भितर दबंगिरी घटनार मासे पर भी होना गिरफ्तारी अभियुक्त को पुलिस गिरफ करूनी कि घटनार तदंत होपटे प्रणय और अन्य साथी अभियुक्त मैंने खुलमखुला बुलुले भी पुलिस गिरफ करुन अभियोग सेप्टेम्बर 16 तारीख बरगढ़ गाईसिलर थाना भितरक पशि जड़े महिला पुलिस कर्मचारी को बीजेडी नेता प्रणय साहू और तांको समर्थक माड़ मारी घटनारे प्रणय समेत 15 to 20 जन नारे मामला रुजु होता है घटनारे आज जाए बा घटना को आज पर्यंत मासे पूरी गोटे भी अभियुक्त को पुलिस जाए गिरफ्त करनी घटना को चपाइवा चेष्टा कर विरोधी अभियोग करपटे प्रणय और समर्थक खुलमखुला बुलुले भी पुलिस आक्शन नेभोग प्रश्न उठू कहीं पुलिस प्रणय को गिरफ्त करूनी क्या छत्र छाय तले रही प्रणय आसवा पाणीपाग संपर्कित खबर को उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तथा संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर उपर रही लघुचाप बलय प्रभाव में राज्यर किसी स्थान में वर्षा जारी रही लघुचाप बलयटी वर्तमान आंध्रप्रदेश उत्तर उपकूल संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में सक्रिय रही यार प्रभाव में राज्य में आउ 2 दिन वर्षा हो आज 5 जिला केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक और जाजपुर को येलो वार्निंग जारी होई ए सबु जिलार गोटे रु 2 स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही 19-20 तारीख 2 दिन राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी और वज्रपात वर्षार संभावना थी भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र 20 तारीख पर राज्य में पाग सुखिला लघुचाप जनित वर्षा सरिया पागर सुधार आसपे धीरे धीरे कुहुड़ी सह शीत पड़ा आरंभ हो से बाबदे अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती बालेश्वर आम प्रतिनिधि संजय मालिक जोड़ी होते संजय वर्तमान बालेश्वर चित्र कौन वर्षार परिमाण केमती देखुंट
देखु चिन्मयी पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में सृष्टि होता लघुचाप बल धीरे धीरे जो कथा घनीभूत होबार लगी बालेश्वर जी कह बालेश्वर उपकूलवर्ती अंचल जो सामान्य वर्षा आरंभ हो गत राति पाखु बालेश्वर जदि कथा कहे बालेश्वर वर्षा बढ़ी धीरे धीरे जेहेतु सकाठ आरंभ कर सका दसटा पर्यंत वर्षा प्रबल मात्रा वर्षा होता समय बर्तमान वर्षा टी कमी कि पाग कोहला रही सहित बालेश्वर को जो उपकूलवर्ती अंचल गुड़िका रही भद्रक कथा कहतु और अन्यान्य जो जिला गुड़िक रही सेगुड़िक वर्षा अधिक बढ़ी तेज आप चित्र देखी देखूँ पाग कोहला रही सहित निश्चित भाव में वर्षा गत काली राति आरंभ कर आज सका सतटा पर्यंत वर्षा होता और वर्षार मात्रा टी बढ़ी कि जिते क्रमश अपराह्न समय वर्षा बर्तमान टी कमी कि बर्तमान लोक मैंने जो चालचल बर्तमान ठीक ठाक निश्चित भाव संजय बर्तमान स्थिति टी स्वाभाविक रही कि लगातार वर्षा गत काली लगी रही जहाँफल आज पाग मेघुआ रही चित्र सामना को आसुची बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपंकर तमाम चित्र बुलेटिन रे समय एक छोट ब्रेक रहा। ब्रेक परे स्वागत श्रीमंदिर जगा दर्शन पर आसला नुआ एसओपी श्रीमंदिर छतीसा निजोग बैठक पर महाप्रभु दर्शन पर भक्तों उद्देश्य परिवर्तित एसओपी जारी करिछि मंदिर प्रशासन परवर्ती आदेश पर्यंत एही नुआ एसओपी बलवत्तर रहिबो बोली मंदिर प्रशासन सूचना देछि। दर्शन पाई जारी एसओपी अनुसारी सप्ताह को 6 दिन सकाळ 7टा रु राति 9टा पर्यंत भक्त माने महाप्रभु दर्शन करिपारिबे। कोविड संक्रमण को दृष्टि रे रखी श्रीमंदिर विशोधन पाई प्रति रविवार दर्शन बंद रहिबो। आसंता 20 तारीख कुमार पूर्णिमा रे श्रीमंदिर खोला रहिबो। नवंबर रे 4 तारीख दीपावली 14 तारीख बड़ एकादशी और 19 तारीख कार्तिक पूर्णिमा रे श्रीमंदिर भक्तों पर बंद रहिबो। महाप्रभु दर्शन पर 96 घंटार कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अबा डबल डोज कोविड टीका बाध्यतामूलक करा जाय छि। कियोस्क सेंटर रे एही प्रमाणपत्र सह निज आधार कार्ड अबा अन्य प्रमाणपत्र देखाई श्रीमंदिर रे प्रवेश करिपारिबे श्रद्धालु। बाबद अधिक सूचना पई आम सहित तो जोड़ी होती पूरी रु आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक नुआ एसओपी कौन सब जारी हो सब खास करी पूरी वासी कथा कहतु तो और जो सब श्रद्धा मैंने रही सुहाइब देखो चिन्मय आप जानते कोविड संक्रमण को दृष्टि रखिए सप्ताह को गोटे अर्थात केवल रविवार ही श्रीमंदिर बंद रहिबो एवं श्रीमंदिर भितर एवं बाहर परिसर को मध्ये सानिटाइज करा जिबो। सेही परिप्रेक्षी आज मध्ये जेहेतु रविवार रही आज संपूर्ण रूपे श्रीमंदिर को बंद कर भक्तों दर्शन उपर कटकणा लागिछि। केवल नीतिकांति रे जड़ित थिबा पालिया सेवायत माने महाप्रभु को तमाम नीतिकांति करछथि किंतु श्रीमंदिर भितर बेड़ा हौ बाहर बेड़ा हौ ब्यारिकेड हौ समस्त पदार्थ को मध्य सानिटाइज कराई है। अंपटे आप जानते जो भक्त श्रद्धा मैंने श्रीमंदिर आसवे से पूर्व निष्पत्ति मुताबक 96 घंटा भितर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नचे टीकार दुईट डोज नहीं प्रमाणपत्र देखेबे। किंतु सब बड़ कथ हूँ आपंट विशेष पर्वपर्वाणी मानक श्रीमंदिर बंद रखा कहला से ही परिप्रेक्षी में आप देखे दशहरा दिन श्रीमंदिर बंद रहा बर्तमान प्रत्येक रविवार श्रीमंदिर बंद रहा कि आसंता मसक अर्थात नवेम्बर मसक तीन दिन पाखापाखि श्रीमंदिर बंद र दीपावली दिन श्रीमंदिर बंद रहा बड़ एकादशी दिन श्रीमंदिर बंद रहा कार्तिक पूर्णिमा दिन श्रीमंदिर बंद किंतु रहा सहित प्रत्येक रविवार श्रीमंदिर बंद कर तो निश्चित भाव में कहीपर जो भक्त मैंने वर्तमान आसुच्च जेहेतु आज रविवार रही आपको प्रथम सीधा सख दृश्य देखा चाहिए संपूर्ण रूप आप देखुं जो ब्यारिकेड मध्यम भक्त श्रद्धा मैंने श्रीमंदिर को प्रवेश करता से ब्यारिकेड आज संपूर्ण रूपे बंद रही जेहेतु रविवार रही भक्त प्रवेश सीधा सख कटक लगी से जो भक्त मैंने कहींपर आसने पतित पावन को बाहर दर्शन कर नीलचक्र को दर्शन करके सानिध्य प्राप्त होती तो निश्चित भाव में जो प्रशासन छतीसा निजोग जो भाई निष्पत्ति विशेष पर्वपर्वाणी मानक श्रीमंदिर बंद रहा देखो गणेश पूजा दिन श्रीमंदिर बंद रहा पवित्र दशहरा दिन श्रीमंदिर बंद रहा और अंपटे जेहेतु पूरीर गत काली गोसाणी उत्सव व भसाणी जत्रा एक निरा परंपरा
ସେଥିପାଇଁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କହିପାରିବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦିନ 12ଟା ପରଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ରବିବାର ହେଉଛି ଛୁଟି ଦିନ ରହିଥାଏ ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରବିବାର ଛୁଟି ରହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଭିଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ ସେ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବାର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି, କାରଣ ଖାସ କରି ଯଦି ଅଭିଭାବକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ସେମାନେ ଯଦି ନ ନେଉଛନ୍ତି ଟିକା ତାହେଲେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟା ଉପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି କିଛି ପୁନର୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଗହଳିକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେଇଥିବେ ନହେଲେ 24 ଦିନ ଭିତରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ରିପୋର୍ଟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୀବେଶୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିପାରିବା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠାରୁ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ନକଲେ ଅନ୍ୟ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କହିପାରିବା କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା କହିପାରିବା ଆର୍ଟିପିସିଆର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନହେଲେ 4 ଦିନ ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ନେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରୀବାସୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ଘର ରହିଛି, ଆମକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ମୟୀ କହିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କଡ଼ା କଟକଣା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତେ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କରୋନାରୁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ସହର ବଜରଙ୍ଗ ସାହିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହାଲ ବେହାଲ। ଛତ୍ରପୁର କଲେଜ ଛକରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ହେବା ସହ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ଗାତରେ ପାଣି ଜମା ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏହି ସାହି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାହିରେ ରୋଡ଼ର କାମ ଆମେ ବହୁତ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ରୋଡ଼ କାମ ଏବେ ଯାଇ ହେଲାନି, ଆଉ ଏଇଠି ପାଣି ରହିକି ଏନି ଟାଇମ୍ ଜମି ରହୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଘରେ ପୁରା କାଦ ଆଉ ସାପ ଏନ୍ତା ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସାହିରେ ଟିକେ ଦୟାକରି ରୋଡ଼ କାମ ଜଲ୍ଦି ତିଆରି କରାଯାଉ। ଛତ୍ରପୁର ସହର ଭିତରେ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ବି ରୋଡ଼ କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ବାଇପାସ୍ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଜିନିଷର ପାଖରେ ରହିଛି, ଏସ୍ପି ରେସିଡେନ୍ସ ପାଖରେ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ପାଖରେ ଅଛି, ଥାନା ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଅଛୁ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି, ନମସ୍କାର।